बसंत पंचमी पर ऐसे मनाएं माँ सरस्वती को। भूल कर भी ना करें ये पांच काम। जानिए बसंत पंचमी का महत्व ज्योतिषाचार्य से। इस बार यानी साल 2023 में बसंत पंचमी 26 जनवरी को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस दिन संगीत और ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य करना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी का महत्व और पूजा विधि ज्योतिषाचार्य से। नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बसंत पंचमी के महत्व के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था, इसलिए उस दिन इनकी पूजा की जाती है और इस दिन लक्ष्मी का भी जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन सुबह अभंग स्नान किया जाता है और पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पर वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा और प्रार्थना का बहुत महत्व है। पूजा विधि में बसंत पंचमी के दिन छोटे बच्चों का विद्या आरंभ करवाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातः स्नान आज से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। एक चौकी पर श्वेत वस्त्र बिछाकर माँ सरस्वती का चित्र या उनकी मूर्ति का पूजन संपन्न करें। देवी को सफेद पुष्प और सफेद प्रसाद जैसे खीर और पेड़ा अर्पित करें और इसके बाद माँ सरस्वती की वंदना करनी चाहिए और उनसे क्षमा याचने के बाद ज्ञान और बुद्धि की आशीष मांगना आपके लिए श्रेयस्कर। बसंत पंचमी के दिन कुछ काम आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। सबसे पहला है इस दिन आपको धूम्रपान और शराब के सेवन से दूर रहना चाहिए। इस दिन मांसाहारी भोजन का भी सेवन ना करें। इस दिन किसी फसल या फिर पेड़ को काटा जाना अशुभ माना जाता है। कोशिश करें कि इस दिन घर में शांति बनाए रखें, झगड़ा ना करें। माना जाता है इस दिन किसी भी भिक्षुक को अपनी चौखट से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। माह की तिथि यानी बसंत पंचमी तिथि का आरंभ 25 जनवरी दोपहर 12:34 पर हो रहा है। इसका समापन 26 जनवरी सुबह 10:28 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार बसंत पंचमी की पूजा 26 जनवरी को की जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से लेकर सुबह 10:28 तक रहेगा।